तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपके मशीन में इस तरह की कुछ सिलाई आ रही है, आप देख सकते हो कई बार क्या नीचे की जो सिलाई होती है वो ख़राब हो जाती है, कई बार ऊपर की सिलाई इस तरह से लू जाती है। तो इसके लिए जो जो इसका हल है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो की जो पूरी जानकारी मिल सके, जो आपकी सिलाई है वो ख़राब ना हो, सही से आप जो सिलाई है कपड़ा कर सके और उसकी अच्छे से फिनिशिंग आ सके। तो दोस्तों इस तरह की अगर सिलाई ख़राब होती है, ऊपर नीचे की सिलाई ख़राब होती है, इसके दो ही कारण होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो ये टेंशनर है इसको धागे को हम टाइट करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका रोल होता है। अगर दोस्तों ये ज़्यादा लूज रहेगा तो जो नीचे की सिलाई है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको हमने एडजस्ट कर देना। अभी मैंने जानबूझ के इसको लूज करके जो सिलाई करके दिखाई थी, जो ये वाली सिलाई है वो मैंने इसको लूज करके दिखाई थी, इससे क्या हुआ नीचे वाली जो सिलाई है वो ख़राब हो गई। अभी इसको हम टाइट कर देंगे थोड़ा। तो इसको दोस्तों इतना टाइट करना है कि जो धागा आपका इस तरह से खींचने के बाद, जब इस तरह से खींचेंगे तो ये आराम से आ जाए। अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो रहा है इसलिए इसको थोड़ा और लूज कर देते हैं। यहाँ पर अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ज़्यादा टाइट होने से क्या होगा, आपका धागा बार बार टूटने लगेगा। यहाँ देख सकते हो अभी थोड़ा ठीक आ रहा है, तो इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा कारण होता है सिलाई ख़राब होने का, वो है बॉबिन केस। बॉबिन केस हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बताया तो बॉबिन को कैसे लगाना है केस के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इस तरह से जो इसका धागा है वो क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, इस तरह से खुलना चाहिए धागा, जो इस तरह से खुलना चाहिए। ये देखो भैया, इस तरफ से हम इसको डाल देंगे, ये देखो इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे बॉबिन केस के अंदर, फिर इसको यहाँ से निकाल के फिर यहाँ से इसको खींच लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो इसका धागा है हम ऐसे खींचेंगे तो इस तरह से खींचना चाहिए, देख सकते हो आप। और यहाँ पर इसके यहाँ पर एक टेंशनर होता है, जो ये हुक है अगर ये लूज हो जाएगी, यहाँ से अगर लूज हो जाएगी, यहाँ पर इसका नट है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये नट है, ये अगर लूज हो जाएगा यहाँ से टेंशनर, तो ये क्या होगा ऐसे आसानी से बहुत ही जल्दी से ये धागा खींच जाएगा और जो आपकी ऊपर की सिलाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसको चेक करने का तरीका क्या है। इसको इस तरह से धागा पकड़ के हमने इसको इस तरह हैंग करना है, तो हैंग करने के बाद दोस्तों ये यहाँ से धागा अपने आप नीचे गिरना नहीं चाहिए, ये ऐसे नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अभी हमारा सही है, अगर यहाँ पर आप ऐसे पकड़ के इसको चेक कर रहे हो, अगर वो नीचे गिर रहे तो क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर नट दिया गया इस नट को थोड़ा टाइट कर दे, इतना टाइट करना है कि इस तरह से खींचने के बाद ये आसानी से आए, स्मूथ आए। तो यहाँ पर नट टाइट करके आप इसको सेट कर सकते हो। ये दूसरा कारण है कि ऊपर की सिलाई अगर ख़राब हो रही है तो ये दूसरा कारण है, इसको आप इस तरह से नट को लूज या टाइट करके सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे बॉबिन केस का जो टेंशन है उसको ठीक करने के बाद, और जो हमारा यहाँ टेंशनर है इसकी टेंशन ठीक करने के बाद, हम अभी सिलाई करके देख लेते हैं किस तरह से आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की सिलाई, तो दोस्तों अभी आप सिलाई देख सकते हो, ऊपर की सिलाई भी बहुत बढ़िया आई है। अभी मैं आपको नीचे की सिलाई भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी सिलाई आई है, आप देख सकते हो, ये देखो। तो दोस्तों इस तरह से आप बॉबिन केस की टेंशन को सेट करके और इसकी टेंशनर की जो टेंशनर है इसको सेट करके अपनी सिलाई को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि अगर आपकी सिलाई मशीन में भी कुछ इस तरह की जो सिलाई है आ रही है तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को बटन को दबा दें ताकि आपके पास हमारी नए आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।